चैतानल्लाज़ीम बसमल्लमरीम लाखलावत बिल्लादीम अल्हद ला लदी हदा नहदा वमाकन्नादिया लऊला हदा लक़ज़ात रसलो रबनाबिलह तुम असला तो असला मुलाशरफिलम्बिया वलमरसलैन ख़ातमिन नबी जिन महबूब रबरक़ैन वलमैैन जदिलहसन वहसैैन नाबिलका मुहम्मद अल व तय्यबीन ताहरीन अलमासुमीन अलमंतजबीन

जिसाए करीमा और आज़ादारी के इस्कबाल और इस्ताल याम आज़ा के हवाले से हमारी गुफ्तु चल रही थी कि कियाम अजा में हम किस तरीक़े से आज़ादारी मनाएं अज़ीज़ों हमने बारहा अर्ज़ किया कि मामे हुसैन सलाम का जो ग़म है और जो मुसीबत पर इजहार ग़म है ये हर ज़माने में होना चाहिए हर हालात में होना चाहिए हर तकाज़े में होना चाहिए ये और बात है कि हर ज़माने में हालात और शरायत को मद्द नज़र रखते हुए हमारे इजहार गम का अंदाज़ और तरीक़ा और हमारी जो रविश है वो बदलती रहे आज़ादारी इमाम हुसैन और करबला हमारे लिए एक अजीम दरस है करबला हमारे लिए दरस है कल हमने अर्ज़ किया था कि इन हम अर्ज़ करेंगे कि करबला में क्या क्या हमतें छुपी हुई हैं और करबला हमें किन चीज़ों की हिदायत करता है किन चीज़ों की तरफ करबला ले जाती है किन चीज़ों की हिदायत करती है इसकी तरफ इशारा करेंगे देखें ये मुसीबत जो अजीम करबला और आशूर का जो वाक़ है ये ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद इस वाक़ का ज़िक्र हुआ हो नहीं बल्कि करबला से पहले भी इसका ज़िक्र था और बल्कि जब उम्मत मुहम्मद की खसूसियात बयान की जाती थी जनाब मूसा जब कोतूर पर गए हैं और उनको ये बयान किया गया है कि आखिर में एक पैगम्बर आएगा जो ख़ातिमबी होगा जिसका दीन कामिल तरीन दीन और मुकम्मल दीन होगा तो उस उम्मत की क्या खसूसियात होगी तो उन खसूसियात में से दस खसूसियात जनाब मूसा को शुमार की गई, उन दस खसूसियात में से एक खसूसियत उम्मत मोहम्मद की ये बताई गई कि वो साहेब रोज़ आशूरा हैं यानी आशूर के दिन गम मनाने वाली कौम है यानी ये एक इम्तियाज़ है उम्मत मोहम्मद का तो इम्तियाज़ किस चीज़ के ज़रिए दिया जाता है जो कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो बहुत ही अहमियत की हायल चीज़ हो तब उसके ज़रिए से आपको इम्तियाज़ मिलता है आपकी खसूसियत उसके ज़रिए से बयान की जाती है मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर कोई खसूसियत पाई जाती है जो दूसरों से नुमायाँ हैं और वो एक अहमियत की हामिल है तो कहेंगे फला साहब फला खसूसियत के हामिल हैं कहने का मकसद यह है कि आशूर के दिन गम मनाना उम्मत मोहम्मद की खसूसियात में से शुमार किया गया है जनाब मूसा को बयान किया गया है तो आशूर है क्या कि जिसको मंसूब करके जिससे उम्मत की खसूसियत को बयान किया जा रहा है इस आशूर को और इस करबला को हमें समझना होगा करबला जिसकी जैसी मारफत है वो अपनी मारफत के एतबार से करबला को समझ सकता है क्योंकि अजीज़ों करबला में हमें हर वो दर्स जो दूसरी जगह उस शिद्दत के साथ उस यकीन के साथ शायद हमें न मिल पाए लेकिन करबला में मिलता है अकीदे से लेकर अमल के मैदान में आज जो शत अपने अकीदे में इतना मज़बूत है इतना मुस्तहकम है, कयामत का अकीदा, जन्नत का अकीदा, जहन्नम का अकीदा, मौत का अक़ीदा हिसाब व किताब का अक़ीदा हशर व नशर का अक़ीदा इस अकीदे में वाक़ करबला का भी एक अहम रोल है कहेंगे मौलाना ये कैसे देखें आजीज़ों इमाम हुसैन ने करबला में क्या किया क्यों इतनी अजीम कुर्बानी दी क्यों इतनी अजीम कुर्बानी दी आप क्या जवाब देंगे किस चीज़ पे वो अक़ीदा रखते थे किस चीज़ पे वो यकीन रखते थे कि इमाम हुसैन आसलातम ने इतनी अजीम कुर्बानी दी आपके जहन में सवाल आएगा अगर कोई हिसाब व किताब नहीं है अगर कोई जन्नत व जहन्नम नहीं है अगर मरने के बाद अच्छे इंसान को उसकी जजा मिलने वाली नहीं है बुरे इंसान को उसके अमाल की सज़ा मिलने वाली नहीं है तो इमाम हुसैन आसलातम को क्या ज़रूरत थी कि इतनी अहम क़ुरबानी यानी अपना सब कुछ राह खुदा में क़ुरबान करते इसका मतलब कि ये जो इस्लाम का क़ानून है और इस्लाम के हकाम हैं और इस्लाम को बचाना और इंसानियत को हिदायत करना इतना अहम मौजू है कि उसके लिए सिर्फ़ गुफगू नहीं करते वो सिर्फ़ दावत अमल नहीं देते बल्कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ख़ुद को भी अपने अहलोयाल को भी अमली मैदान में ला कर राह ख़ुदा में क़ुरबान होकर बताते हैं कि खुदा भी हक है हिसाब व किताब भी हक़ है हशर व नशर भी हक है जन्नत और जहन्नम भी हक है। तो ये अकीदा आपको कहाँ से मिला करबला से मिला वरना सिर्फ ज़बान से दावत करने वाली कौमें बहुत हैं और नतीजा यही है कि जब सिर्फ़ वो ज़बान से दावत करते हैं उनके लीडर तो उनके अंदर अमल, अमल के अतबार से वो अक़दा नहीं पाया जाता वो अमल में इतना गामजन नहीं हैं उनके अक़दे मजबूत नहीं हैं उनके अक़दे सुस्त लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिया कौम और मजहब अहलबैतलातसम जो दलील के हवाले से भी बेहतरीन दलीलों पर मुबनी है जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता और अगर अमली मैदान में हम आइडियल तलाश करते हैं जिसने अपने अमल के जरिए अकीदे तोहीद को साबित किया हो क़यामत को साबित किया हो, अदालत को साबित किया हो तो वो आइडियल भी हमारे दरमियान चौदह मासूमी अलतलात वाम की शक्ल में मौजूद हैं और उन चौदह मासूमी में इमाम हुसैन सलाम की एक नुमाया शख्सियत है जिसने अपनी इतनी कुर्बानी देकर दे तोहैद को भी बचा लिया अकीद क्यामत को भी बचा लिया अकीद जन्नत और जहन्नम को भी बचा लिया और समझने की पूरे असूल दीन और फरू दीन और पूरे इस्लाम को बचा लिया तो करबला अजीज़ों हमारे लिए दरसगा है हमने करबला की मार्फत हासिल कहाँ की है यह अकीदे के हवाले से जो करबला हमारे लिए दरसगा हम करबला को कैसे भूल सकते और अगर हम अमली मैदान में देखें यानी अकीदे से हटकर अमल के मैदान में भी देखें तो करबला हमारे लिए एक नुमाया हैसियत रखती है जो हमें अमल करने पर उभारती है और दावत देती है क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि दुआ तन दुआतन अलन्नास ब़ैर अलसनत कूँ अगर आपको लोगों को दावत अमल देना है तो अमल करके दावत अमल दीजिए सिर्फ ज़बान से दावत अमल न दीजिए और वाज सी बात है कि सिर्फ़ दव... ज़बान से दावत अमल देने से कतान वो असर नहीं होता जो अमल करके के दावत अमल देने से असर होता है तो मजहब शिया मजहब हक़ शिया और मजहब अहलबैत की खसूसियत ये भी है जो दूसरे मजहबों में आपको या नहीं मिलेगी या कब मिलेगी कि हमारे लीडर ने हमारे आइम्मा ने हमें दावत अमल के ज़रिए दावत दी है अमल करके दावत दी है और ये बहुत अहम होता है कि हम किसी की बात उस वक्त माने जब वो खुद अमल कर रहा हो जब वो ख़ुद अकीदा रखता हो करबला दावत अमल है अमल के ज़रिए से वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है करबला में कि भाई को भाई पर कुर्बान होना चाहिए मोमिन को मोमिन पर इशार करना चाहिए इशार होना चाहिए आप दूसरे को अपने नफ्स पर मुक़दम करें नहीं वहाँ अमल करके बताया जा रहा है कि भाई भाई पर कैसे कुर्बान होता है भाई भाई के साथ कैसे इशार करता है करबला में ये नहीं बताया जा रहा है कि इमाम वक्त की इतात करनी चाहिए ये कहा नहीं जा रहा है ज़बान से नहीं कहा जा रहा है लेकिन इमाम वक्त की इतात करके बताया जा रहा है कि इमाम वक्त की इतात कैसी होती है जनाब अबल अबुलफल अब्बास और जितने भी चाहने वाले असहाब शहदा शु, शु, और बनी हाशिम के जवान थे इमाम हुसैन अलसलातम की इतात करके जैसे आका कहेंगे जैसे आका दस्तूर देंगे वैसे हम जंग लड़ेंगे एतायत करके बताते हैं कि इमाम की अत कैसे होनी चाहिए तो करबला दावत अमल है अमल के जरिए से करबला हमें ज़बान से दावत नहीं देती है, अमल से दावत देती है करबला में ये नहीं कहा जा रहा है कि देखो मुसीबत पे परब्र करोगे तो तुम्हें अजर मिलेगा अल्लाह अगर कोई मुसीबत तुम पे नाजिल करता है तो तुम उस मुसीबत पर सब्र करो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं जबान से नहीं कहा जा रहा है बल्कि अमल से बताया जा रहा है कि एक मोमिन को सबूर होना चाहिए बच्चे प्यास पर तड़प रहे हैं प्यास से तड़प रहे हैं माएँ उनको सब्र दिला रही हैं माएँ अपने बच्चों की प्यास को देख रही हैं लेकिन सब्र कर रही हैं माएँ अपने बच्चों को शहीद होते हुए देख रही हैं लेकिन सब्र कर रही हैं बाप अपने बच्चे को दल… ज़िबा होते हुए देख रहा है लेकिन सब्र कर रहा है तो करबला सब्र की दावत देता है लेकिन अमल के जरिए दावत देता है तो करबला से बढ़कर कौन सी दर्शगाह हो सकती है ईशार की मंजिल करबला में मिलेगी एतात इमाम की मंजिल करबला में मिलेगी सब्र की मंजिल करबला में मिलेगी दीन के ऊपर अपनी जान को निसार करने की मंजिल कि जब हमने समझ लिया है कि हमारा मिशन सही है हम सही रास्ते पर चल रहे हैं हम हक़ पर चल रहे हैं तो हम हक़ पर कुर्बान भी हो जाएं, लेकिन हम हक़ का साथ नहीं छोड़ सकते ये जज्बा हमें कहाँ से मिलता है करबला से है हक़ के साथ वाबस्ता रहना और बातिल के साथ न जाना हक़ पर गामजन रहने का अगर कहीं कहीं से हौसला मिलता है कहीं से जज्बा मिलता है तो हमें करबला से मिलता है अब आप सोचें कि करबला दरसगाह नहीं है तो और कौन है कौन सी ऐसी दरसगाह है जो अमली मैदान में इस तरीके से अमल करके आपको दावत दे रही हो तो हम करबला को न मनाएं तो कौन करबला को मनाए हम करबला को न माने तो कौन करबला को मानेगा करबला बस समझ में आया कि करबला के पीछे कितनी हिकमत छुपी हुई है इंसानियत की हिदायत का बाइस है करबला वाक करबला बशरियत की हिदायत की जमानत करता है जो भी इस वाक़े को देखता है आप तारीख में कोई भी ऐसा वाक़ दिखाइए जिसके बनस्बत मानने वाले और चाहने वाले तो अपनी जगह पर दूसरी कौमें भी जब उस वाक़े को सुनती हूँ तो इजहार अफसोस करती हूँ इमाम हुसैन सलाम के साथ इजहार हमदर्दी करती हैं इजहार अफसोस करना िम पर लानत करना मज़लूम के साथ इजहार हमदर्दी करना और इमाम असलातलम के इस कारनामे को दादो तहसीन देना इंसानियत का पैगाम जो इमाम हुसैन ने दिया है ये दर्स हमें करबला से मिलते हैं तो अजीज़ों करबला के पीछे बहुत अजीम हमतें छुपी हुई हैं और आज तक इतने साल गुजरने के बाद सन एकसठ हिजरी में हुई है वाक करबला और आज चौदह सौ बयालीस हिजरी तकरीबन चौदह सौ साल होने वाले हैं इस चौदह सौ साल में करबला के ज़रिए से हुसैन के ज़रिए से कितना पैगाम दीन लोगों तक पहुंच रहा है ये करबला की बरकत नहीं है तो क्या है तजीज़ों तो करबला का वजूद हमारे लिए चिराग हिदायत है अब इस पस मंज़र में हम इस हदीस को भी समझ सकते हैं बहुत गौर से बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है इन चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है इस पस मंज़र में हम इस हदीस को समझ सकते हैं कि उन नल हुसैन मिसबाह व सफ़ी नजात ज़ात हुसैन चिराग हिदायत है कश्ति नजात है हुसैन चिराग हिदायत हैं क्योंकि हुसैन ने जो करबला बर्पा की है बज़ाहिर तो मज़लूमियत है बज़ाहिर तो महरूमियत है बज़ाहिर तो प्यास है बज़ाहिर तो तश्नगी है बज़ाहिर तो भूख है बज़ाहिर तो शहादत है लेकिन एक चिराग हिदायत बनकर ये करबला में ये करबला सारी दुनिया में रोशन है जो बशरियत के कलूब को चाहने वाले को कलूब को हिदायत कर रही है और रहनमाई कर रही हाजीज़ों लोग सवाल ये करते हैं कि मौलाना ये कैसे हुआ के इमाम को जब पता था कल भी हमने इशारा किया और मज़ीद उसकी वजाहत के इमाम हुसैन को जब पता था कि हम शहीद हो जाएंगे तो वो फिर क्यों गए इमाम हुसैन सलातम शहीद होने नहीं गए थे बल्कि दीन को बचाने गए थे जालिम के मुकाबिल में बैत कर लेना यानी फिर इस्लाम का मिट जाना यानी पैगामी हिदायत के सिलसिले को कत हो जाना और इमाम हसैन सलाम इराद इलाही के तहत गरचे बज़ाहिर जब इमाम हुसैन सलाम मक्के से निकले हैं तो चाहने वालों ने रोकने वालों ने रोका मौला आप कहाँ जा रहे हैं कहा हम करबला की तरफ़ जा रहे हैं हमारी मंजिल करबला है कहा मौला आप तनहा चले जाइए आप ना जाइए का शा यरानी कतीला खुदा ये चाहता है कि हमें शहीद होते हुए और कत्ल होते हुए देखे तो खुदा ये चाहता है खुदा की मशीयत खुदा हुसैन है वो तो बेहिकमत काम नहीं करता सिर्फ़ कत्ल होना इमाम हुसैन सलाम का जब तक उसके पीछे हिक्मत ना हो जब तक उसके पीछे एक बहुत ही अज़ीम हिदायत का सिलसिला ना हो इस्लाम की बका ना हो खुदा क्यों चाहेगा कि हुसैन क़त्ल किए जाए कोई अपने महबूब को कत्ल होना होने को चाहता है कि हमारा महबूब कत्ल किया जाए हम जिसको पसंद करते हैं उसकी कुर्बानी हम कब देते हैं उस वक्त देते हैं जब उससे अहम मकसद हमारे नज़र में हो और उस अहम मकसद के लिए हमने उस महबूब को बनाया हो महबूब चीज़ को हुसैन से ज़्यादा कौन हबीब है ख़ुदा के लिए कोई नहीं है लेकिन नहीं अन्रानी कतीला खुदा ये चाहता है कि हम कत्ल किए जाएँ तो कत्ल के पीछे एक बहुत ही अजीम हिकमत छुपी हुई है तो इमाम हुसैन ऐसा नहीं कि कत्ल होने जा रहे थे बल्कि ये बता रहे थे कि जब हम कत्ल होंगे तो फिर इस कत्ल के पीछे कितनी हमतें पाई जाती हैं और बकाए इस्लाम है और ये पूरा सिलसिला जो हमने अभी आपके सामने पेश किया तो खुदा का हुक्म था कि हुसैन तुम्हें जाना है और बैत नहीं करनी है क्योंकि अहल बैत तो वमा तशाऊना के तशाउना वो तो चाहते ही नहीं मगर ये कि जो खुदा चाहता है इसीलिए ये सवाल हुसैन के चाहने वाले आजादार हुसैनी शानदर कर कम करते हैं लेकिन दूसरी कौमें जो हुसैन सलाम के मकाम से आशना नहीं हैं वो उतनी मारफ़त नहीं रखती वो ऐसा सवाल करते जिन्होंने कहीं सुन लिया हो कि जिन्होंने कहीं सुन लिया हो कि वहाँ हुसैन को पता था कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे, तो वो ऐसा सवाल करते फिर यहीं पर एक सवाल क्योंकि कुछ सवालात हैं जो हमारे जवान नौजवान के जहन में मुमकिन आए दूसरी कौमों के जहन में आए तो उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी है यहीं पर मुमकिन है ये भी सवाल किया जाए कि खुदा को जब इल्म था कि हुसैन कत्ल कर दिए जाएंगे तो खुदा कत्ल ना होने देता खुदा ये जुल्म होने ना देता खुदा कादिर नहीं था कि हुसैन पर ये जुल्म हो रहा है वही चीज़ जो इब्ने ज़ियाद ने दरबार में कही थी कि भाई हमने तो नहीं कत्ल किया है खुदा ने तुम्हें कत्ल किया है तो अजीज़ों ऐसा नहीं है इस बात को समझाने के लिए थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है और कोशिश मैं करूँगा कि आपको समझा ले जाऊँ बिलखसू सरज़मी महुआ के मुमन के इमाम हुसैन असलातम की शहादत और मशीत परवरदिगार इस मशीत से मुराद क्या है देखिए इसको वजाहत देने के लिए कुछ मुकदमात कुछ बातें आपके सामने पेश करने की ज़रूरत है वो मुकदमत ये हैं कि खुदा वंद मताल की जो मशीयत होती है मशीयत यानी इरादा जो खुदा चाहता है जिसे अपनी ज़बान में हम बोलते हैं खुदा क्या चाहता है खुदा क्या नहीं चाहता ममा तशाउना इलाशा वो चाहते ही नहीं मगर ये कि जो खुदा चाहता है तो मशीयत यानी अल्लाह क्या चाहता है मशीत दो तरह की होती है एक मशीयत तश्रै या इल्मी में इरादा कहते हैं एक इराद तश्रही और एक इराद तकवीनी दो तरह के इरादे खुदा के हुआ करते हैं इन दो इरादों को आपको समझ लेना है कि खुदा के ये जो दो इरादे हैं वो कैसे हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि इला शाहरानी कतीला इला शाहरा सबाया आप सुनते हैं ये दो इरादे खुदा के हैं पहला इरादा इरादे तकवीनी और दूसरा इरादा इरादे तश्री ये दो इरादे हैं खुदा के इरादे तकवीनी किसे कहते हैं इरादे तकवीनी उसी का नाम है जिसे क़ुरान ने कहा है इज़ा अरा बनकू लहू कुन फयकुन जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा कर लेता है तो वो ये कहता है कि हो जा और वो चीज़ हो जाती है ये इरादे तकवीनी है यानी इरादा करना ही समझ लीजिए कि होने का बायस बन जाता है और क्योंकि हम खुदा को कादर मुतलक मानते हैं कि खुदा की ज़ात कादर मुतलक है कादर मुतलक यानी क्या यानी हर मुमकिन काम को वो अंजाम दे सकता है अगर हम खुदा को मजबूर या महदूद माने कि नहीं इमाम हुसैन सलाम को शहीद होना था और खुदा भी कुछ नहीं कर सकता था तो हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो खुदा मजबूर हो जो अपने वली को बचा न सकता हो हम ऐसे खुदा को नहीं मानते फिर हमारी तोहद वो तोहहीद नहीं है जो हुसैन हमसे चाहते हुसैन तो हमें ये दर्श देते हैं कि हमारा खुदा कादिर मुतलक है हुसैन के नाना रसूल खुदा तो हमें ये दर्स देते हैं हुसैन के बाबा अली मुतजा तो हमें ये दर्स देते हैं कि खुदा कादर मुतलक है खुदा हर मुमकिन पर कादिर तो जब वो हमें ये दर्स देते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि खुदा हुसैन को बचा नहीं सकता था तो खुदादर है खुदा मजबूर नहीं है लेकिन एक खुदा का इरादा इरादे तकवीनी होता है यानी वो चीज़ होना ही है और एक इरादा खुदा का इराद तशरी होता है इराद तशरी किसे कहते हैं इरादे तशरी वो इरादा होता है जो खुदा अपने बंदों से रखता है कि तुम्हें ये करना है तुम्हें ये नहीं करना है अगर तुम ये करते हो तो इस पर तुम्हें अजाब मिलेगा सज़ा मिलेगी अगर नहीं करते हो दूरी करते हो तो तुम बाई से, तुम मुस्तहक सवाब, मिसाल के तौर तो पर खुदा कहता है वाजबात को अंजाम देना ज़रूरी ये हो गया इरादे तश्रही यानी खुदा अपने बंदों से जो इरादा रखता है कि बंदे इस काम को अंजाम दें या अंजाम ना दें इस इरादे को इरादे तश्रही कहा जाता है इरादे तकवीनी क्या है यानी जो कुछ भी कायनात में हो रहा है वो सब खुदा के इरादे और मशीयत में शामिल है यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि खुदा न चाहता हो और फिर भी वो चीज़ दुनिया में हो जाए ये तो अल्लाह की कुदरत महदूद हो जाएगी बहुत तोज्जो चाहता हूँ यानी आपने अल्लाह को एक मजबूर अल्लाह मजबूर खुदा पहचाना है तो दुनिया में जो भी काम हो रहा है खुदा की कुदरत से खारिज नहीं है ऐसा नहीं कि खुदा मजबूर है ये तो हो रहा है वो ही, होगा ही और खुदा इसमें कुछ नहीं कर सकता हम ऐसे खुदा को नहीं मानते लेकिन उससे हट कर जो दुनिया में हो रहा है खुदा बंदों से भी कुछ इरादा रखता है कि देखो तुम्हें ये करना है तुम्हें नहीं करना है खुदा जो बंदों से ये इरादा रखता है इसे इरादे तश्रही कहा जाता है बसा औकात इराद तशरी में खुदा नहीं चाहता कि आप इस काम को अंजाम दीजिए लेकिन आप फिर भी अंजाम देते हैं तो जब फिर भी अंजाम देते हैं यानी खुदा मजबूर था कि आपको ना रोक सकता हरगिज खुदा मजबूर नहीं था लेकिन जो दस्तूर दिया था आपने दस्तूर की मुखालफत की आप मुस्तक अजाब हैं करबला में यही है इनला शाहरानी क़तीला खुदा ये चाहता है कि मैं कत्ल किया जाऊँ यानी खुदा के इरादे तकवीनी में ये है कि मुझे शहीद किया जाएगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जालिम को उसके जुल्म की सज़ा नहीं मिलेगी और जालिम से ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें कत्ल नहीं करना है नहीं जालिम को ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें जुल्म नहीं करना है लेकिन फिर भी जालिम मुखालफत करते हुए जुल्म करता है तो ऐसा नहीं था कि खुदा इस जुल्म को रोक नहीं सकता था ये खुदा की कुदरत में था इसलिए ालिम को अजाब भी मिलेगा और मशीत ये परवरदिगार इरादे ये परवरदिगार भी ये था कि ये वाक़ रनुमा हुआ और ये बशरीत के लिए हिदायत का और बशरीत की रहनुमाई का और बशरीत के लिए मशल हिदायत बन गई तो आप ये ना कहें कि खुदा ने कत्ल किया नहीं जो काम हम से जो मुतालबा किया गया अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम मुस्तक़ अजाब हैं हमसे जब कहा जा रहा है आपको जुल्म नहीं करना है तो अगर आप जुल्म करते हैं तो मुस्त अजाब ठीक है खुदा चाहता तो अपनी कुदरत काम अलाव कुदरत मतलक़ा के अतबार से आपको रोक सकता था दस्तूर दे सकता था कि तुम ये न करो आपके हाथ छल हो जाते आप मर जाते आपका ये अक्ल काम न करती ये तमाम चीज़ खुदा कर सकता है लेकिन अगर खुदा ऐसे ही करने लगे तो फिर इम्तिहान की मंजिल ख़त्म हो जाएगी सवाब व जज़ा की मंजिल ख़त्म हो जाएगी फिर ये मकसद खिलकत व इंसानियत ख़त्म हो जाएगा जो कुरान मजीद फरमा रहा है कुरान मजीद में तो इर्शाद हो रहा है ना कि वल्लि खल कल मोतवल हयात ले अब लोअम अय कुम अहसन अमला वो ज़ात जिसने मौत हयात को खल किया है ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल अंजाम देता है तो आजमाइश और इम्तिहान सब के लिए है इस आजमाइश और इम्तहान में यजीद नाकाम होता है हुसैन कामयाब होते हैं यजीद कयामत तक के लिए लानतों का तोक़ अपने लिए ख़रीदता है हुसैन कयामत तक के लिए बशरियत के लिए मश हिदायत बन जाते हैं चिराग हिदायत बन जाते हैं ये आपके हाथ में है खुदा किसी को मजबूर नहीं करता है खुदा ने न यजीद को यजीद बनाया था न हुसैन को हुसैन बनाया है अगर मजबूर कर दिया जाए तो फिर उसका इख्तियार क्या है उसके उसका कमाल क्या है उसका हुसन क्या है वो तो मजबूर था वो अच्छाई पे मजबूर वो बुराई पे मजबूर फिर अजाब और और एकाब क्या माना रखता है तो पता ये चला कि कोई मजबूर नहीं है फजीज़ों तो इमाम हुसैन आलात वाम का गम और मुसीबत और करबला हमारे लिए मशअले हिदायत ये बहुत अज़ीम मुसीबत है जिसे हम बरपा कर रहे हैं जिसका ज़िक्र उम्मत मोहम्मद से पहले दूसरी उम्मतों में हुआ जनाब मूसा जैसे पैगंबर को बताया ये गया कि जो उम्मत मोहम्मद और हमारे आखिरी नबी हमारे हबीब की जो उम्मत आएगी उसकी खसूसियत में से ये होगी उसकी खसूसियत ये होगी कि वह आशूर मनाएगी आशूर के दिन रसूल के नवासे हमारे हबीब के नवासे पर गम मनाएगी, आंसू बहाएगी आज़ीज़ों ये बहुत अजीम मुसीबत है हमारा वक्त ख़त्म हुआ करबला अजीम दरसगा है बस इतनी अजीम मुसीबत है कि ये सुन लें कि जब इस मुसीबत को अम्बिया के सामने पेश किया गया है तो हर नबी इस मुसीबत को तहमुल करने के लिए तैयार नहीं हो इन्ना अरज़नल अरज नल अमानत समावत यहमिलहा इसकी तफसीर में ये भी मिलता है क्योंकि कुरान के बतून हैं हमने जब आसमान ज़मीन पर इस अमानत को अर्ज़ किया और पेश किया कि इस मुसीबत को कौन तहुल करने के लिए तैयार है तो हुसैन की ज़ात थी पैगम्बरों ने अपने कदम अम्बिया ने अपने कदम पीछे हटा दिए जब पेश किया जाता था पूछते थे परवरदिगार हमें इस मुसीबत में क्या करना होगा मुसीबत को पेश किया जाता था देखो ये मुसीबत है यह सहना है इसमें तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे होंगे परवरदिगार और क्या है भूख और प्यास का गलबा है जालिम का लश्कर है इसमें तुम्हारे बच्चों को शहीद कर दिया जाए माओ के सामने उनके जवान बेटे जिबा कर दिए जाएंगे परदिगार इसके बाद क्या होगा बिलखसूस असीरी की मुसीबत मुसीबत असीरी यानी नामूस की बेहरमती एक गयूर इंसान के लिए उसके नामूस की बेहरमती उसके लिए बहुत सख्त मंजिल है अजीज बहुत ही सख्त मंजिल है इसीलिए जब अम्बिया के सामने ये मुसीबत पेश की जाती थी बच्चों पर म बच्चों का शहीद होना भूख और प्यास से तड़पना नरग आदा में घिरा होना जब ये तमाम मुसीबतों को देखते देखते इस मुसीबत तक पहुँचते थे कि जब आप शहीद कर दिए जाएंगे आपके जवान शहीद कर दिए जाएंगे तो उसके बाद आपके आपकी नामूस की बेहरमती होगी आपके अहल हरम को असीर कर कर फिराया जाएगा बेपर्दा बेमकनऊ चादर फिराया जाएगा हाजिज़ो बिया ने अपना कदम पीछे हटा लिया सिर्फ़ एक धती हुसैन तेरा दीन बच जाएगा तेरी शरीयत बच जाएगी तो अगर बच जाती है तो मैं इस मुसीबत को कबूल करने के लिए तैयार हूं अरे मेरे बच्चे शहीद हों शहीद हो जाए हाँ मेरे बच्चे मेरी नजरों के सामने जिबा हो जाए परवरदिगार मैं इस मुसीबत को लिए भी तैयार हूं कि हाँ अजीजों वो मुसीबत जो करबला के बाद अहले हरम पर पड़ी है कि किस तरीके से बेमकन चादर को कूफे और शाम के बाजार में फिराया जा रहा है मुनादी आवाज दे रहा है हाथ ही सबाया बना तो देखो ये नबी जादिया हैं जो बेमकनो चादर फिराई जा रही है। इलाही सलामती मान इलाही सलामती मान पर हमारी हमारे इस खलील से इबादत कबूल फरमा जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा जो मरीज हैं उन्हें शिफाए आजिल व कामिल नसीब फरमा शिया शिने हैदर कर्रार जहाँ जहाँ भी उनके जाल माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा सबको इस बला कोरोना वबा से महफूज रख हमें बेहतर से बेहतर आजादारी इमाम हुसैन इसी शरात व तकाजे के मुताबिक अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमा हमारे इमाम के जहूर में